नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा के धूप को लेकर आप में से कई लोगों का कई सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा पूजा में अगर आप दो धुनुची जलाते हैं तो उसमें जो है आपको कौन सा निवेदन करना है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर पूजा के समय से ही अर्थात पूजा के प्रथम से ही दो धुनुची अगर आप ऐसे रखते हैं और उसमें जो है आप धूप जलाते हैं, चाहे आप षोडशांग धूप जलाएं, आप दशांग धूप जलाएं, माँ के पूजा के लिए वैसे दशांग धूप सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर आप दशांग धूप जला पाते तो बहुत अच्छा है, या फिर अष्टांग धूप या षडंग धूप। अगर कुछ भी मतलब इन सारी दशांग या अष्टांग का भी आप इंतजाम नहीं कर पा रहे तो कम से कम आपको षडंग धूप जलाना चाहिए। तो षडंग धूप से जो है आप माँ की पूजा कर रहे हैं या फिर पूजा के समय से पहले से ही जो है आपने षडंग धूप जला कर रखा है, तो उस षडंग धूप को या फिर केवल धुना और गुग्गुल यानी कि राल गुग्गुल से और घी से ही आपने अगर धूप जलाया है दोनों तरफ, तो उसमें से हमेशा जो है ना जो बाहिने तरफ वाला होगा अर्थात माँ के जो बाहिने तरफ रखा है उसी धूप को आपको पूजा विधि के साथ अर्थात जब आप षोडश उपचार या दश उपचार से या फिर पंचोपचार से धूप पूजा से भी जब आप माँ को धूप निवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको माँ के बाहिने तरफ रखे हुए धूप को ही हमेशा निवेदन करना चाहिए। भले ही आप जो है पूजा के शुरू से दो धुनुची आपने जला कर रखे हो, पर हमेशा जो है आपको माँ के बाहिने तरफ रखे हुए धूप को ही निवेदन करना होगा। और कई समय जो है जो कि शास्त्र में विधान है माँ के अग्रभाग में भी धूप रखा जाता है, पर अग्रभाग में धूप आप तभी रखिए जब जो है आप उस धूप को जो है माँ के आरती के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो आरती के निवेदन के लिए अग्रभाग में धूप रखकर निवेदन करना ही सबसे अच्छा होता है। वैसे आप चाहे तो कई लोग क्या करते हैं ऐसे दोनों धुनुची को ही अग्रभाग में रखते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। और जब आप निवेदन कर रहे हैं केवल तो एक धुनुची को ऐसे साइड में कर दीजिए और एक को ऐसे अग्रभाग में या फिर माँ को माँ के बाहिने तरफ रखकर जो है ना आप उसे निवेदन करिए, पर हमेशा जो है माँ के बाहिने तरफ या फिर अग्रभाग में रख कर के आपको धूप निवेदन करना है। और आरती के धूप जब भी आप निवेदन करेंगे तो उसमें आपको हमेशा माँ के सामने रखकर निवेदन करना है अर्थात अग्र में रखकर माँ के जो तीन दृष्टि, ये देखिए माँ के जो तीन दृष्टि है ना उसके सीधे होने चाहिए एकदम। जैसे कलश बैठेगा ऐसे कलश भी जैसे माँ के त्रिनेत्र के बराबर बैठता है एकदम, उसी तरीके से धूप को भी और आरती के जो दीप होंगे उसे भी इसी तरीके से अग्रभाग में रखकर जो है निवेदन आपको कर देना है, तभी जो है धूप निवेदन कार्य सही होता है। तो धूप निवेदन तो आप दोनों धुनुची जलाए उसमें समस्या नहीं है दोस्तों, पर जो है आपको निवेदन के समय माँ के बाहिने तरफ और सामने ही रखकर मतलब आरती के सामने रखकर ज़्यादा अच्छा होता है। आरती के आप साइड में रखकर ना करिए और निवेदन के समय आप सामने और बाहिने तरफ दोनों जगह पर ही रखकर कर सकते हैं, पर आरती में विशेष रूप से सामने रखकर ही करना चाहिए। तो यही था आप लोगों के कईयों का सवाल, तो मुझे लगता है इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे कमेंट्स करके मुझे बताइए और साथ में इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।